तो सुन रहे थे कि स्कूल कॉलेज में भी जाकर और ये अपने अपने घरों में सभी माताएं अपने बच्चों को ये जीवन में जब ये ज्ञान देंगी, ये राज्यों की शिक्षा के बारे में बताएंगी, उनको समझाएंगी, उनके वास्तव में मूल्य क्या हैं, तो जो भी हम उनको डिग्री हासिल कराना चाहते हैं उसके पहले हमारे जीवन में मूल्य आए। क्योंकि पढ़ लिख कर भी बच्चा वैसे हुआ तो क्या, और आज कितने केस ऐसे भी आ रहे हैं कि बच्चों को पढ़ा लिखा रहे इसलिए कि बच्चे आज हमारे पढ़ लिख कर विदेश जाएं, और माँ बाप फिर डिप्रेशन में आ रहे। अभी अभी हाल में कई ऐसे दो तीन माताएं अपनी क्लास में आई हैं कि बच्चे दोनों चले गए, अब हम अकेले हैं, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, तीन है, अब हम अकेले हैं, अब क्या करें। उनके लिए सारे साधन किए जा रहे, पता साधन में क्या करेंगे, कुत्ते को पाल लिया, उसके साथ बिजी रहेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट आता है उसको एलेक्सा बोलते हैं, उससे बातें करेंगे। लेकिन जब तक हमारे अंदर हमारी चिंतन नहीं चेंज होगी, चिंतन की धारा नहीं चेंज होगी, तब तक हम इन सब से चेंज नहीं हो सकते। तो ऐसे भी केस आ रहे, इसलिए सभी को इस राजयोग की बहुत ही आवश्यकता है। अभी हम सब जो पुराने बैठे हो भी, जो अपने जीवन में प्रयोग भी कर रहे हैं राजयोग, तो समझते हैं अपने को आत्मा समझकर पिता को याद करना है। लेकिन उसमें भी अभी कल भी सुना, परसों भी सुना, अभी ये जो एक जनवरी मास से मुरलियां चल रही हैं, सचमुच एक एक लाइन समझने की है कि बार बार बाबा क्या कहता है हमको। कल भी कहा तुम्हारी ये याद की यात्रा कैसी है, लंबी है, इसमें परमात्मा को कैसे याद करना सच्ची दिल से। तो अपने आप को चेक करो कि हम परमात्मा पिता को सच्ची याद से, सच्ची दिल से याद करते हैं। अगर नहीं याद करते हैं, देह देह के संबंधी याद आए तो क्या बता दिया, ये पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं विश्व का मालिक बनने का, लेकिन नहीं बन सकेंगे। लौकिक में भी किसी से मिलने जाएं, उससे बातचीत करने जाएं, और उससे बातचीत न करके उसके पास बैठकर इधर उधर देखे, इधर उधर बुद्धि जाए, तो क्या कहेगा, किस लिए आए हो। ऐसे हम परमात्मा से मिलन मनाने के लिए सूक्ष्म वतन या परमात्मा के पास जाते हैं, और जाकर बजाय परमात्मा से मिलन मनाने के, लेकिन अभी स्थिति की तरह या तो हमारे अंदर कंप्लेन है या फिर भी अभी मांगने के संकल्प होते हैं ज्यादातर लोगों को। पता पड़ता है ना, लिख लिख कर रखते हैं लेटर में, तो उससे पता चलता है अभी क्या चाहना है हमारी। परंतु बाबा हमें रोज क्या इशारा देता है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो अभी हमारा पुरुषार्थ इसी बात का है, जो 63 जन्मों के विकर्म हैं, हमारे जो ये 63 जन्मों के संस्कार बने हुए हैं, इन संस्कारों का परिवर्तन भी तभी होगा जब हम परमात्मा को दिल से याद करें। इसलिए इसको योगाग्नि कहा गया है। जब तक हमारे अंदर वो अग्नि नहीं जलेगी, तब तक विकर्म विनाश नहीं हो सकते हैं। हम दूसरों को सिखाते हैं ना कि योगी, जैसे वो कहते हैं ना, वो एक लेंस होता है, उसके नीचे कागज लगाते हैं, अगर एकाग्रता से नहीं लगाएंगे तो नहीं चलेगा, और सूर्य के किरणों के सामने लगाएं तभी जलेगा। ऐसे हम अपने आप को चेक करें, क्या हम ये विधि अपने आप में अपनाते हैं, उस परमात्मा को ऐसे सच्ची दिल से एक रस स्थिति में स्थित होकर याद करते हैं।
क्योंकि बाबा बार बार कह रहा अपनी चेकिंग चाहिए। कल भी कहा हम एक घंटा बैठते हैं लेकिन सच्ची दिल से चार्ट लिखें कि मैं कितनी देर हमारा मन बुद्धि परमात्मा के साथ रहा। तो जब हम इस विधि को अपनाएंगे, क्योंकि ये समय कम है इसलिए बाबा हमको बार बार चेतावनी दे रहा है, तो हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा किस बात पर ध्यान दे रहे हैं? मुरली पर। जैसे आज हमारी दादियां जो हमारे वरिष्ठ हैं तो मुरली को कितनी बार पढ़ते थे? दादी 7 बार 8 बार पढ़ती थी। अभी हम सब क्या करते हैं, यूट्यूब में लगे रहते हैं, उसकी क्लास। उससे हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं बनेगा, क्योंकि जिन हम भाई बहनों की क्लास करते हैं अभी कोई संपूर्ण बना नहीं है, तो सबके अंदर कोई ना कोई कमी है। तो फिर और अगर हम मुरली पढ़ेंगे 4 बार 5 बार 6 बार जब भी टाइम मिले तो मुरली उठाइए और पढ़िए, तो पता है क्या होगा, जब वो मुरली पढ़ेंगे तो मुरलीधर बाप की भी याद आएगी, फिर बाबा की याद आएगी। इसलिए मुरली का अध्ययन ज्यादा से ज्यादा करना है और इन बातों से बचना है, अभी जो हम सबकी वरिष्ठ क्लास सुनते हैं उससे बचना है, क्योंकि बाबा ने कहा अंत का समय है, इसमें पुराने पुराने भी झड़ जाएंगे। फिर क्या होगी हमारी बुद्धि में, जिनके साथ हमारी भावना है, जिनके हम क्लास सुन रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ तो हम भी संशय बुद्धि बन पड़ेंगे। और बाबा ने कहा, आज ही कहा है, तुम्हें संशय बुद्धि नहीं बनना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, क्योंकि ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। इसलिए हमें बाबा जो इशारा दे रहा है उसके आधार पर हमें पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हमारा सारा मदार ही है पुरुषार्थ पर। तो अमृत वेले से लेकर रात्रि तक अपनी दिनचर्या पर बहुत ही अटेंशन देना है, यही चार्ट बनाना और लिखना भी है सचमुच। चार्ट चाहे थोड़ा सा कुछ भी लिखो, शाम को लिखने की थोड़ी सी आदत डालो, क्योंकि तभी हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा। बाबा ऐसे ही नहीं कह देता कि अपना चार्ट रखो चार्ट रखो, ये हम बच्चों को करने के लिए कहता है कि तभी तो हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा, इसलिए रखते हैं चार्ट, चलते चलते फिर अलबेले हो जाते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि हम दूसरों को बताते हैं अंत मति सुगति कैसे किस आधार पर होगी, इसलिए हमारा पुरुषार्थ बहुत काल का चाहिए। सिर्फ अमृत वेला कर लेना, 5 बार ट्रैफिक, 5-7 बार जो भी करते हैं ट्रैफिक कंट्रोल कर लेना, नुमा शाम योग कर लेना, नहीं, अपनी दिनचर्या पर पूरे दिन अटेंशन देना है, क्योंकि राजयोग का मतलब आत्मा का मिलन। तो निरंतर माने लगातार, जिसको अजपा जाप कहा गया, तो जब परमात्मा पिता को इस विधि से याद करेंगे निरंतर, एक बात के सिवाय कुछ भी याद ना आए, तो इसके लिए हमें अटेंशन देना पड़ेगा, बिना अटेंशन तो कुछ हो नहीं सकता है। तो अभी हम सबका यही पुरुषार्थ है, आज ज्यादातर तो पुराने बैठे हैं, नए कम है। तो आज बाबा ने भी आज भी याद दिलाया, क्योंकि आज जो मुरली थी वो मम्मा की, इसलिए कहा कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में हमको पहला नंबर फेल रोना नहीं है, संशय, दूसरी बार संशय बुद्धि नहीं बनना है। तो इन बातों का अटेंशन रखने के लिए हमें
मुरली की बहुत कदर कर। मुरली माना परमात्मा के जो महावाक्य हैं उस पर बहुत अटेंशन देना। और सबसे पहले हम सबको ये मोबाइल, दुनिया वाले तो कर रहे हैं, उनके पास तो उसी से पढ़ाई, उसी से सारी कारोबार है, हमारी तो नहीं है ना। जितनी देर कारोबार है किया, ज्यादा से ज्यादा इस मोबाइल से छूट जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हर चीज की हमारे अंदर आदत पड़ जाती है। इसकी भी बहुत ज्यादा आदत पड़ गई है, मोबाइल की भी। तो हम ज्ञानी योगी आत्माओं के लिए तो ये सबसे ज्यादा दुश्मन है मोबाइल, इसलिए इससे बहुत पहले से ही दूरी बना लो तो बहुत अच्छा है। ये भी एक मर्ज है, समझिए, इसलिए इससे। और चेकिंग का खास पुरुषार्थ करना है तो ये अभी हमने देखा, जो भी लेटेस्ट मुरली चल रही, और इस महीने की अगस्त की 1 तारीख से जो देख रहे हैं तो और ही, सिर्फ धारणा की बातें हैं। एक एक लाइन में बाबा ने हमको ध्यान खिंचवाया है, इसलिए मुरली की एक एक लाइन हमारा जीवन बनाने वाली है। यही इसी मुरली से हमारी जीवन बननी है, इसलिए हमें इस पर बहुत ध्यान देना है। हम दूसरों, आज तो ये कह दिया बाबा ने, जो ज्ञान योग में है बच्चे, ज्ञानी योगी बच्चे हैं, वो भी यही बात सुनाते हैं कि बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो, क्योंकि शिव बाबा से ही वर्षा लेना है, शिव बाबा से ही वर्षा लेना है। तो और ये बाबा भी, इन्होंने भी बाबा से वर्षा लिया, तो इसलिए हम सबका ध्यान जब तक मुरली से नहीं होगा, मुरली से प्यार नहीं होगा तो बाबा से भी प्यार नहीं होगा। तो इसलिए खासकर आज सुबह से मेरे को ये याद आ रही थी, इसलिए हमें लगा ये बात तो जरूरी है कि सचमुच। और ये देखा होगा जनवरी मास से जो मुरलियां आ रही, उसमें 1 तारीख को क्या लिख कर आ रहा है, ये मुरली कौन सुनाएगा? ध्यान दिया सभी ने? ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारी जो अधिकृत आने के लिए, तो वो सुनाएंगे, स्वयं में धारणा करेंगे और दूसरों को सुनाएंगे उस धारणा के आधार पर, तो उनके अंदर भी वो आएगा, उनके अंदर भी धारणा बनेगी। तो हमें भी अपने पर, क्योंकि अभी अंदर कुछ न कुछ कमियां, तो अपनी चेकिंग करके और हमें सबके प्रति रहम दिल बनना है। जैसे हम बनेंगे तो हमें भी उनको ऐसा ही बनाना है। इसलिए अपनी अपनी क्लास में इस बात को विशेष ध्यान देकर, पहले तो अपनी आदत हम छोड़ें और फिर दूसरों को भी कराएं, तो ये इस बात का विशेष ध्यान देना है। अच्छा, ओम शांति।